काम की लीजे बस। एक बार चाहूंगी क्या जितने भी भक्तगण माँ के दरबार में आए हैं अपने दोनों हाथ उठा ले, बिल्कुल जिनको एक दिया एक ही उठा ले, नहीं दिया। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुषार हार धवलाया शुभस्त्रावृता, या पीणा वर्दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर पृथ्वीर देव सदा वंदिता, सामां पात सरस्वती भगवती नशे सजाड्या दरबार में जाने के लिए तमाम जा रहे हैं, बिल्कुल। और जब तमाम भक्त होते हैं तमाम इच्छाएं भी हो जाती हैं। कोई दरबार से बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, जय हो। लेकिन माँ आप स्वर की देवी हैं, वाह, और कलाकार की जननी हैं आप, तो हम बच्चे भी आपकी शरण में आए हैं, और अगर थोड़ी सी दया दृष्टि आपकी बच्चों पर भी हो जाए, जय हो, तो हम बच्चों का भी कल्याण हो जाए माँ, जय हो, जय हो। और इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं उस आदि शक्ति जगत जननी माँ वीणा वादिनी का आवाहन कर रही हूँ, और निवेदन है माँ, माँ आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं, हम बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं, तो आप चली आइए, आइए और आकर के मेरे मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, मैं लाड बचाती हूँ। आओ, और वैसे भी कहते हैं कि वंदना गाने के लिए हालांकि कोई फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ गीत ऐसे आ जाते हैं कैसे जो मानो अपने आप में एक वंदना के समान हो जाते हैं। एक धुन बजी थी, कौन सी बेटे, के दुख चली आए, तो मैं कह रही हूं क्या क्या बेटा क्या
और वैसे भी हम बच्चों के अंदर इतनी क्षमता, अच्छा अच्छा ठीक, ये कल्लू ठेकेदार जी की ओर से ये पहला मूल्यवान एक से एक मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। जय हो, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए, और वैसे भी हम बच्चों के अंदर इतना सामर्थ, इतनी क्षमता तो नहीं है कि मैं माँ के सारे नामों का वर्णन कर पाऊँ। बिल्कुल बेटे, माँ के सारे नामों का गुणानुवाद कर पाऊँ, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या, क्या? वंदना के अंतिम चरण मां के दरबार में प्रस्तुत कर रही हूं, क्या बेटा क्या, क्योंकि दुनिया के लोग मां को मनाने आते हैं, कोई फूल माला लेकर, कोई मेवा मिष्ठान लेकर, कोई आरती की थाल लेकर, लेकिन मैं क्या कह रही हूं, क्या बेटे क्या, ये भैया हर प्रसाद भैया जी आपकी ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है, मेरी ओर से धन्यवाद है आपको, जय हो, माता रानी कल्याण करें आपका, जय हो, जय हो। तो कहना मां से कि मां क्या, अरे हंस सरिता से, स्वर सरिता से एक लोटा जल भर के तुम्हें चढ़ाऊं, स्वर सरिता से एक लोटा जल भर के तुम्हें चढ़ाऊं, क्योंकि माँ तुम ही भक्ति हो,
ऊंचे दरबार की जय। पुनः कमेटी को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी से पुनः आशीर्वाद लेते हुए चल रहा हूँ महामई के आवाहन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, दूर दूर से पधारे सभी कीर्तन प्रेमी एवं कीर्तन कलाकार, पुनः सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। वंदन गीत से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या कहना गुरु, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। अंतस में सार सार भर दे मां सार दे, कर दे उपकार मात तुम्हें हम पुकारते। अंतस में सार सार भर दे मां सार दे, कर दे उपकार मात तुम्हें हम पुकारते। भक्त की पतवार बिन आधार वही धार धार, वीणा के तार तार भर दे झनकार आज। नेम ही पधार राह तेरी हम निहारते, और महिमा अपार कोई पाए ना पार, किंतु ये अजय विजय बार बार आरती उतारते। जय हो माँ, जय हो। क्या बात है गुरु, बहुत अच्छे। आपके आरती उतारने का तरीका ही अलग है, बहुत बढ़िया। आइएगा माता रानी के दरबार में, सभी भक्त जाते हैं, जाते हैं। देखे इतने सारे भक्त महामाई के दरबार में बैठे हैं, बैठे हैं। जिसके मन में जैसी कामना होती है माता रानी से मांगता है। कोई चाहता भैया मुझे धन दौलत मिल जाए, मिल जाए। कोई चाहता भैया मुझे औलाद मिल जाए, मिल जाए। कोई चाहता भैया मैं ग्राम प्रधान बन जाऊं, हाँ फरवरी मार्च में। कोई चाहता भैया मैं विधायक बन जाऊं, और कोई चाहता भैया सांसद मंत्री बन जाऊं आने वाले समय में। लेकिन हे मैया, आप स्वर्ग की देवी हैं, हम स्वर्ग के पुजारी हैं, तो हम कलाकार क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, चाहते कि मैया काफी बात है कि आ जाओ आके चाहता हूँ भैया सदा मत आइए, हम दोनों कलाकार के तख्त गिरा जाइए। एक नहीं दोनों कलाकार, क्या बात है, अच्छे सोच रखते, जिससे कंठ सुरीले हो जाए और ये कार्यक्रम बड़े प्रेम से चल सके। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ हाँ कि आ जाओ आके माँ कुल खिला दो। हे मैया हाँ, कबीरा का स्वर मेरी वाणी से मिला दो। मैया आपकी जो वीणा है हाँ, मैं चाहता हूँ मैया कबीरा का स्वर वाणी से मिला दो। मैं चाहता हूँ हाँ। बना
महामारी के वंदन गीत पर खुश होकर के ये 51 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद जो कि प्रथम आशीर्वाद आया है बिल्कुल सम्मानी भैया कल्लू ठेकेदार वाह आपकी ठेकेदारी और बढ़ती चली जाए गलत गलत तक बढ़ती जाए भैया कल्लू ठेकेदार उनके कर कमों से ज्ञान मुद्राएं हैं माता रानी आपका सदा भंडार भरा रखे बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए भैया आप ध्यान से सुनिए वंदन गीत तुम्ही ने दिया सदा तुम्ही से मंगाया अंतिम पंक्तियां महामाई के चरणों में अंतिम बात सुनिए आप लोग हे माँ ये बरेली शहर कलाकारों का कल है यहाँ कार्यक्रम होते ही रहते हैं और सुरीले अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ हैं अच्छे रचनाकार हैं तो कहना है माँ क्या कहना है माँ से या कलाकार कई है सभा में सयाने कलाकार कई है सभा में सयाने और अरे सहयोगी स्वर के हाँ सहयोगी स्वर के धनी जाने सहयोगी कलाकार है स्वर की धनी है जानकार है हाँ बिल्कुल माँ इसमें कोई सबकी बात नहीं ये सहयोगी स्वर के धनी जाने वाले इतना ही नहीं मिया आजमाने
चाहता हूँ कि ऐसे स्वर सजा के कोई आज की रात्रि ऐसे स्वर सजा के कोई ये भूले रत जगाना जगा है रात्रि जागरण है ये लोग भूले ना सालों तक। सही बात, बिल्कुल सही बात। ऐसा कार्यक्रम हो भैया बस कृपा कीजिएगा। चबिया गढ़ी चौकी हनुमान मंदिर, वाह भाई वाह, गढ़ी चौकी हनुमान मंदिर की तरफ से ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है और हनुमान जी के चरणों में हम भी पड़े रहे आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दर्शन करते रहे बस उन्हीं की कृपा, क्योंकि हमारे आज भैया ने एक मेहरबानी की है कि देखो इतनी अच्छी जगह पे हमको ठहराया कि हनुमान जी सरकार के चरणों में जाने के लिए तरसते हैं और उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि हमको अपने चरणों में बुला लिया, हम लोग दिन भर वहीं उनके दर्शन करते रहे, बिल्कुल आराम भी करते रहे। बहुत अच्छे, ये परम सौभाग्य की बात है। समन भैया महेंद्र पाल बाली टेक्निक आपके कर कमलों से ये 1 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद भी कामना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है।